क्या आप चाहते हैं कटिहार का हर खबर आपके मोबाइल तक पहुंचे? तो उठाएं मोबाइल और यूट्यूब खोलें, फिर सर्च करें KTN न्यूज कटिहार। लेकिन बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल सुबह 9 बजे तकरीबन आए तेज आंधी और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। आंधी और बारिश ने मक्का का फसल बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। तेगड़ा पंचायत के तेगड़ा गांव के किसान मोहम्मद इजहार आलम ने बताया कि हमारे गांव में आंधी और बारिश से कई एकड़ फसल बर्बाद हो गए हैं। हम लोगों ने कर्ज लेकर खेती किए थे जो कि फसल पूरा बर्बाद हो गया, और कर्ज वाले को क्या देंगे और खाएंगे क्या। इन किसानों की मांग है सरकार जल्द से जल्द फसल का मुआवजा देने का कार्य करे। कदुआ प्रखंड के भोगांव पंचायत के ग्राम बैदा के एक विद्यालय में पिछले दिनों क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के लिए कदुआ प्रशासन के द्वारा लुंगी, गमछे, थाली, ग्लास, सैनिटाइजर, दस्ताना, साबुन, मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई वस्तुओं का वितरण किया। सभी को अपने हाथों से पुरस्कार किए। लगभग कितनी संख्या में भी यहाँ मौजूद होंगे? अभी व्यक्ति 10 हैं, पहले 24 थे, उन लोगों को मेंटी छोड़ दिया गया है, अभी 10 व्यक्ति हैं। अभी जो व्यक्ति हैं वो लोग अच्छा ढंग से रह रहे हैं अंदर? जी, सभी सोशल डिस्टेंसिंग में रह रहे हैं। उन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और ये सामग्री आज मुहैया कराएगी? जी। तो क्या आपने महसूस किया कि उनको किसी बात का तकलीफ है, किसी बात का मन उदास है? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। तो आपने सुना कि अंदर जो है पदाधिकारियों द्वारा ध्यान रखा जा रहा है और सब कुछ हालात अच्छा है, मौजूद है, और उन लोगों को खेल कूद से भी कुछ मुहैया कराई जा रही है क्या? नहीं नहीं, खेल कूद से नहीं, बिल्कुल। तो यानी कि वो लोग अपने कमरे में नियमानुसार सब चीज़ को पालन कर रहे हैं वो? जी। तो इन्हीं बातों को आज हम आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल निश्चिंत रहने की बात है। और एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या उनको खाना पीना ढंग से मिल पा रहा है? बताइए कि क्या खाना पीना ढंग से? जी, सब खाना पीना में जो सुबह चाय दिया जा रहा है। अच्छा। फिर नाश्ते में चना मुड़ी घिन्नी के साथ, उसके बाद दोपहर दाल भुजिया भात यानी खिलाया जा रहा रात्रि है। रात्रि फिर रात्रि के समय में उन लोगों को भी सूखा खाना खिलाया जा रहा है, रोटी सब्जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात किए। हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ अच्छे ढंग से ख्याल रखा जा रहा है। और आपने सुना कि कुछ को यहाँ से बाहर भी कर दिया गया है और जो फिर नए कोई आ रहे हैं उसको यहाँ पर रखा जा रहा है। तो अभी तक जो भी स्थिति है इनके जानकारी के अनुसार बिल्कुल सामान्य है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उनको 3 टाइम का खाना का व्यवस्था किए हैं, उसके बाद में 2 टाइम चाय बिस्किट चलता है और वो लोग प्रसन्न हैं। उसको समय समय पर प्रशासन के द्वारा कुछ ऐड दिया जाता है, जैसे आज लुंगी मास्क वगैरह का वितरण किया गया है, उन लोग को गंजी भी, अंडरवियर भी, सब चीज़ दिया गया है, साबुन भी दिया गया है, डिटॉल भी दिया गया है। प्रशासन के तरफ से ये सारा चीज़ मुहैया किया जाता है और हमारे प्रखंड के प्रशासन के तरफ से प्रायः प्रतिदिन हमारे BDO साहब, CO साहब, थाना प्रभारी महोदय सब आते हैं, जाँचते हैं, देखते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमारे यहाँ से जाते हैं। भोगांव पंचायत के समाज सेवी मुखिया जी के घर मौजूद हैं, हमने मिलने का आग्रह किया, उनसे बात की, जानकारी प्राप्त किया कि इनके पंचायत में एक विद्यालय है, क्वारंटाइन में व्यक्ति हैं, वे उनका दिनचर्या कैसे बीत रहा है आपने सुना। कि मुखिया जी ने बताया कि बिल्कुल घबराने जैसी कहीं कोई बात नहीं है, उनको बिल्कुल प्रशासनिक देख रेख में रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बेलौन पंचायत के मुखिया मोहम्मद मिराज आलम ने गरीब निस्सहाय मजदूर लोगों के बीच सूखा राशन किट का वितरण किया।
है अपने निजी कोष से दे रहे हैं, उसे 5 किलो चावल है, 1 किलो नमक है, 200 ग्राम सरसों तेल है, 1 लाख साबुन है और 100 ग्राम सोयाबीन का एक पैकेट बना के हम गरीब को थोड़ा सा दर्द में हिस्सा ले रहे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि सरकार के द्वारा जो जब तक भी कदम उठाया गया वो गरीब के लिए एक भी कदम नहीं है। अभी जो सरकार सिर्फ खाली भाषण दे रहा है, घोषणा कर रहा है, लेकिन गरीब को कुछ नहीं दे रहा है। ये बेवा मिस्किन जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, जरूरतमंद को ही हम ये दे रहे हैं अपने निजी कोष से।